वेलकम टू टचवुड। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि हम प्री प्रिपेयर्ड डोर या विंडोज कैसे लगा सकते हैं अपनी ड्राइंग में, ऑटोकैड 3D में पहले से बने हुए डोर कैसे लगाएंगे। अब हम सीखेंगे कि मैं रियल 3D ऑब्जेक्ट को कैसे पुट कर सकता हूँ ऑटोकैड में। यानी मान लीजिए मैं इधर कार पुट करना चाहता हूँ, या फिर फ्लावर पॉट, या फिर कुछ और मेटेरियल या ऑब्जेक्ट्स पुट करना चाहता हूँ। सो हम डालेंगे PNG कार फ्री डाउनलोड। यहाँ से डाउनलोड PNG कर लूँगा। PNG डाउनलोड हो गई, देन इसको एडिट से क्रॉप कर लूँगा। एडिट कर पर आया, देन यहाँ से सेव कर लूँ। तो ये कार है जो मैं उधर अपने ड्राइंग में पुट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, इसका नाम है मैक्रो मीडिया फायर वर्क। आप डालेंगे इधर मैक्रो मीडिया फायर वर्क फ्री डाउनलोड। ये डालने के बाद इधर से कहीं से भी, मान लीजिए इस वेबसाइट से, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इधर से मैक्रो मीडिया फायर वर्क। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपने जो डाउनलोड करी फोटो PNG फाइल ये कार की, इसको आप ओपन वेट करेंगे मैक्रो मीडिया फायर वर्क। इसमें ओपन करने के बाद आपको बाहर फोटो के बाहर इधर एक लेफ्ट क्लिक करना है पहले, देन आपको नीचे ये दे रखा फिट कैनवास, आपको इधर क्लिक करना, देन अगेन आपको इस इमेज के बाहर एक बार क्लिक करना है। नाउ आपको इधर कैनवास पर कलर पर आना है, इसको व्हाइट चूज करना है, देन आपको इसको सेव एज करना है, यानी कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करके। मान लीजिए मैं इसको डेस्कटॉप में आकर के इधर डाउनलोड में सेव कर देता हूँ कार 1000 के नाम से, और इसको हम मैं JPEG फॉर्मेट में सेव करना है। यहाँ से हम फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, देन इसको सेव कर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड को चेंज कर देना है ब्लैक में, देन आपको इमेज को सेलेक्ट करना है, यानी इधर क्लिक करूँगा इस टाइप का, देखिए ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया, यानी ये सेलेक्ट हो गई। देन आपको इधर नीचे फिल्टर दे रखा है, ये इधर क्लिक करना है, देन एडजस्ट कलर पर क्लिक करना है, देन इधर वही सैचुरेशन देखिए ऑप्शन दे रखा है, इधर क्लिक करना है, सैचुरेशन को -100 कर देना है और लाइटनेस को +100 कर देना है, देन ओके क्लिक कर। नाउ आपको इसको भी कंट्रोल शिफ्ट और एस से सेव एस कर देना है। डेस्कटॉप में आऊंगा मान लीजिए, एंड डाउनलोड, मान लीजिए 10,000 कार्ड 10,000 JPEG फॉर्मेट में ही इसको सेव करना है, सेव कर दिया। अब हम आएंगे ऑटोकैड में। अब मैं उस कार को पुट करना चाहता हूँ अपने ड्राइंग में। मैं मान लीजिए पहले फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। अब क्या करूंगा, अब मैं विजुअलाइज पर जाऊंगा, देन मटेरियल ब्राउजर, देन ये ग्लोबल वाले का डुप्लीकेट बनाऊंगा, इसका नाम रख दूंगा मान लीजिए, देन इसके एडिट बटन पर आऊंगा। नाउ इधर इमेज पर लेफ्ट क्लिक करूंगा, देन इधर जो है मैं सेलेक्ट करूंगा कार 1000 के नाम से मैंने जो सेव करी थी, यानी जिसका व्हाइट बैकग्राउंड था पहले जो मैंने सेव करी थी, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। देन नीचे आऊंगा कट आउट में, इधर क्लिक करूंगा, इधर मैं सेलेक्ट करूंगा जिसको मैंने ब्लैक बैकग्राउंड में सेव करी थी, यानी ये वाली। अगर ये फोटो ना दिखें तो इधर व्यू में थंबनेल पे क्लिक कर देना, देन इसको सेलेक्ट करूंगा। नाउ इन दोनों को मैं सेम साइज कर दूंगा, यानी मान लीजिए इस पर मैं नीचे आया, देन स्केल को इधर मैंने कर दिया 6 feet by 6 feet। अगेन इधर आया कटआउट में, स्केल को चेंज किया 6 feet by 6 feet, और इधर एक प्लेनर ड्राफ्ट कर लूंगा मान लीजिए इधर मैंने किया ये, देन इसको सेलेक्ट करके मैं इधर से असाइन टू सिलेक्शन कर दूंगा। नाउ मैं व्यू रेंडर मैपिंग प्लेनर मैपिंग सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, देन इसको एडजस्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये इधर ही क्लिक करना होता है, देखिए जैसे ये ना इधर ट्राइंगल दे रहा था, इस पर एक प्लेस करूंगा, देन इसको मैं आराम से अपने अकॉर्डिंग मूव कर यहाँ तक दिखाना, देन मैं अगेन लेफ्ट, अब अगेन इधर लेफ्ट क्लिक किया, अब इसको कहाँ तक इधर तक, देन अगेन जब ना इसको सिलेक्ट कॉपी करूँगा, नशे उठाऊंगा और अपने ड्राइंग में इधर रखना चाहता हूँ उधर कर दूंगा। अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं RR रेंडरिंग के लिए RR एंटर प्रेस करूँगा, और ये देखिए अब हम देख सकते हैं ये कार्ड जो है वो रियलिस्टिक लग रही है ड्राइंग। वैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, चाहे वो बाहर हमें गैली में फ्लावर पॉट्स दिखानी हो, मेन गेट दिखाना हो।